हेलो गाइस, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पांच शेयर्स के बारे में बात करने वाले जो फ्यूचर में क्रांति लाने वाले हैं। तो गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, भविष्य के पांच ऐसा क्रांतिकारी शेयर्स जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको 3 से 4 साल में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट देने वाले, इतने अच्छे रिटर्न्स देने वाले हैं कि आप मतलब पूछो ही मत। तो मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो शेयर है उसका नाम है बजाज फिनेंस लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, ठीक है। इसके बारे में मोस्टली लोग जानते ही हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितने से क्या हुआ, कितने से क्या। तो इसके बारे में बात कर देता हूँ, मार्केट कैप के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट कैप के बारे में बात कर लो, 2,18,890 करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो शेयर की चल रही है वो 36-32 रुपये चल रही है, आज की जो करंट प्राइस है जो मैं बात कर रहा हूँ 11:56 की, ठीक है। और ये जो है कि 52 वीक में जो हाई और लो बनाया, हाई बनाया 4,923 रुपये और जो लो बनाया वो 1,783 रुपये। तो गाइज़ मैं बात कर लूँ, लॉकडाउन जब चल रहा था, जब मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम ये 1,783 रुपये तक गया था, 1,800-1,783 समथिंग गया था। अगर जिन्होंने उस टाइम परचेज किया होगा तो आज ऑलमोस्ट लगभग डबल प्राइस हो चुकी है, कितने, मेरे हिसाब से तीन से चार महीने में डबल प्राइस हो चुकी है। तो गाइस, कितना बढ़िया स्टॉक है आप खुद समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से आपका पैसे डबल कर दिया। गाइस, 3 से 4 महीने में पैसे डबल हो गए। इसकी बुक वैल्यू जो है 536 है, ठीक है, 0.48, एंड स्टॉक पी जो है वो 43.51 है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ जो है 3 ईयर का 38.30% है। गाइस, बहुत बड़ा ग्रोथ है ये, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, थोड़ा चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर देखो गाइस, मैं बात करना था मुझे, जब लॉकडाउन में गया था, लॉकडाउन में, तो ये लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ था, मार्च से। तो ये पहले मैं बता दूँ कि पहले इसकी प्राइस जो थी गाइस, ये फेब में इसकी प्राइस थी 4,878, और फिर ये डाउन होते होते, ये कोरोना वायरस के वजह से डाउन होते 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 ये कम होते होते 2,1900, और यहाँ पे देखो गाइस, सबसे ज़्यादा जो गिरने वाला रेट था 1829। उसके बाद धीरे 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 उठता गया, ये उठता गया, और ये आज जो है कि इसका जो कर्व बन रहा है, जो इसका जो चार्ट बन रहा है, वो हमेशा ऊपर ही जाता हुआ बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नीचे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा गाइस, हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करना, इतना कुछ हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, होल्डिंग्स कितनी कितनी है। देखो, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो जो जून 2020 में दिखा रहा है वो 56.20% प्रमोटर्स की होल्डिंग है गाइस। FIIs की जो होल्डिंग्स है वो है 21.24, और जो मार्च में था 21.16 था, इसका मतलब अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कुछ वही 8 to 9% जो है कि ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, मार्च से जून में। और DIIs जो है वो गाइस है, मार्च में 10.89 था और जून में ये थोड़ा सा कम हुआ है, 10.11 हुआ है। और पब्लिक की जो होल्डिंग से जो हिस्सेदारी है वो मार्च में 11.46 था और जून में जो है कि 12.22 है, और अदर्स की जो है कि 0.29 था, अभी जो है कि घट के 0.22 हो गया है। तो ये गाइस शेयर के बारे में बात कर लिया हमने, बजाज फिनेंस के बारे में। ये 3 से 4 साल में इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 जाने वाली है, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है जो 3,632 रुपये, मॉर्निंग में मैंने देखा था 3,636 था, तो अभी थोड़ा सा 32 हुआ है, ठीक है, करंट प्राइस। तो ये 3-4 साल में गाइस जाने वाला है इसका 10,000 ऑलमोस्ट जाने वाला है, जो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 10,000 चला भी जाए, हो सकता है शायद थोड़ा बहुत कम आगे पीछे हो, ठीक है। और गाइस, आप अपना इन्वेस्टमेंट के टाइम आप अपना खुद का थोड़ा रिसर्च कर लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें इन सब पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड कंपनी जो है अतुल लिमिटेड, यह एक साइंस केमिकल्स की कंपनी है, ठीक है, केमिकल्स की है। इसका जो मार्केट कैप है वो 18,571 करोड़ है। करंट शेयर प्राइस जो है 6,261 रुपये है, जो अभी की करंट प्राइस दिख रहा है, ठीक है।
और 52 वीक में जो हाई बनाया हुआ है वो 6,360 रुपये का हाइक है, और जो लो है वो 2,923 का है। बुक वैल्यू इसका 1,064 है, और स्टॉक पी जो है 29.16 है। उसके बाद बात करेंगे हम आर ओ सी ई, आर ओ सी 27.98% है, और आर ओ ई की बात करेंगे तो 22.44% है, और सेल्स ग्रोथ जो 3 ईयर्स में है वो 13.04% सेल्स है। हम थोड़ा चार्ट पे आके देख लेते हैं गाइज, चार्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं चार्ट। तो देखो ये गाइज जो मार्च और अप्रैल में जो सबसे नीचे गिरा हुआ था वो मार्च में गया था 3,506, जो कि मार्च क्या मार्च अप्रैल अप्रैल की साइड में अप्रैल में गया था। 23 मार्च 2020 को इसकी प्राइस थी 3,506 रुपये, और ये उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उठता गया और ये हाई बनाता गया और थोड़ा ऊपर नीचे, ये इसका जो कर्व है जो चार्ट है वो उठता ही गया है, और आज भी ये हाइक बनाया हुआ है 6,261 रुपये पे। तो हम गाइज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ जब डाउन हुआ था तो वो डाउन हुआ था सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, उसके पहले इसका जो हाइक था वो आप देख सकते हो हमेशा ये चार्ट उठता ही गया है, हमेशा कर्व जो है इसका ऊपर ही गया हुआ है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोरोना वायरस के वजह से अगर ये नीचे गया तो ये कोई ऐसा शेयर नहीं था जो नीचे नहीं गया, बहुत सारे के सारे उस टाइम वो एक समझ लो आपदा थी उसके वजह से हुआ। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखो प्रमोटर्स के जो हिस्सेदारी है वो गाइज मार्च में था 44.80, लेकिन जून में 44.80, सेम जून और मार्च दोनों में जो है कि इनकी हिस्सेदारी सेम रही है। FIIs की हिस्सेदारी जो है कि मार्च में 6.89 थी और घट के वो जून में 6.73% आ गई है, और DIIs की जो है हिस्सेदारी वो 24.49 मार्च में थी और 25.31% जो है कि जून में हो गई बढ़ के, ठीक है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी तो मान लो ठीक है ये 0.0 है। पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो मार्च में थी 23.81 और जून में जो कि घट के हो गई है 23.15। तो आप इसमें भी गाइज ये भी 10,000 रुपये का टारगेट जल्दी ही छूने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 से 3 साल में ये भी 10,000 का हाइक बनाने वाला है, तो आप गाइज इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च कर ले। मेरा थर्ड नंबर का जो शेयर है गाइज वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी गाइज बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1,20,363 करोड़ है इसका मार्केट कैप। करंट प्राइस जो चल रही है वो 596.05 चल रही है, और इसका जो 52 वीक में जो हाई है वो 600.647 और जो लो है वो 339.15। इसका जो बुक वैल्यू है 33.68। स्टॉक पी जो है वो है 91.03, और ROCE जो इसका है वो 23.51% है, ROE जो इसका है वो 20.85% है। जो सेल्स ग्रोथ इसका 3 ईयर्स का दिख रहा है वो माइनस में दिख रहा है, लेकिन ठीक है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें भी चार्ट में आप देख सकते हैं ये मार्च 23 मार्च को ये सबसे जब जो सबसे लो बनाया हुआ था वो 23 मार्च 2020 को लो बनाया था 342 रुपये का। उसके बाद ये लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते गया और आज जो है कि इसकी वैल्यू है 596 रुपीज़। बीच में इसने और हाइक बनाया हुआ था जब 640 रुपये गए थे, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है गाइज वो हिस्सेदारी जो है वो दिसंबर में 66.18% की थी, और मार्च 2020 में इसकी जो हिस्सेदारी है वो घट के 3% ऑलमोस्ट घट गई है, 63.69% है। और FIIs की जो हिस्सेदारी है वो दिसंबर 2019 में 19.94% थी, मार्च में बढ़ के 21.07% हो गई है। और DIIs की जो हिस्सेदारी है जो होल्डिंग्स है वो 4.96 है, और बढ़ के जो मार्च में ये हो गई है 6.08%। पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो दिसंबर 2019 में 8.89% था,
और अभी बढ़ के मार्च में 9.13% हो गया। जो अदर्स की जो हिस्सेदारी है वो 0.03 दिसंबर 2009 में भी था और मार्च 2020 में भी 0.03% का है। तो गाइज इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अपना रिसर्च खुद पहले कर लो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। हमारा जो चौथा शेयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मन्नापुरम फिनेंस लिमिटेड। ये भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, फंड बेस एंड फी बेस सर्विसेज इंक्लूडिंग गोल्ड लोन्स, मनी एक्सचेंजेस फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में ये डील करती है मन्नापुरम फिनेंस। इसका जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 13,121 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है 155.25 रुपये। इसका जो 52 वीक पे जो हाई था वो 194.80 का था, जो लो था वो 74.25 का था। बुक वैल्यू 67.99% है, ठीक है, और स्टॉक पी जो है 8.38%। बात कर लेते हैं हम आरओसीई की, 16.05% है। आरओई की बात कर लेते हैं 28.60% है। जो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में वो 17.08% का है सर, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है 17 पॉइंट। इसके चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो कि 23 मार्च को ये भी सबसे ज़्यादा जो लो बनाया था वो 79.20 का लो बनाया था। उसके बाद ये शेयर्स बढ़ता ही गया और अभी जो हाइक बनाया हुआ है वो है हाइक 155 रुपये 25 पैसे, 2.5 पैसे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, बस बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो गाइस सबसे पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी के बारे में बात करते हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो मार्च 2020 में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थी वो 35.05% था और घट के थोड़ा सा घटा है 0.1%, 30 पॉइंट। जून में जो है कि इसकी हो गई है 35.04%, ठीक है, 0.1% का ज़्यादा कमी है, ठीक है, इसको कुछ कह नहीं सकते, इसको कैलकुलेट ज़रूरी नहीं करना। FIIs की जो होल्डिंग्स थी मार्च 2020 में वो 39.50 थी और घट के 38.45% हो गई है। तो DIIs की जो होल्डिंग्स थी वो मार्च में 8.43% था और जून में जो है कि 9.7% बढ़ के हो गया 77%। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी तो 0.0 है। पब्लिक की जो हिस्सेदारी थी मार्च 2020 में वो थी 17.20% और घट के हो गई है जून में 16.74%। तो गाइज़ इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च पहले कर ले। हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट शेयर के बारे में, HDFC बैंक लिमिटेड। तो HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है ये एक बैंक है, ठीक है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 6,11,569 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। करंट प्राइस जो इसकी चल रही है वो 1,112 रुपये चल रही है। 52 वीक में जो हाई बनाया है वो 1,305 पे का बनाया हुआ है और जो लो बनाया है वो 738 रुपये का लो बनाया हुआ है। बुक वैल्यू जो है 320 रुपये और स्टॉक पी जो है 21.45% का है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ROCE के बारे में, 7.31% ROCE है और ROE के बारे में बात कर लेते हैं 16.50% है और जो इसका 3 ईयर्स का ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है वो 18.59% है। गाइज ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। हम थोड़ा चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो लो बनाया हुआ था वो लो बनाना स्टार्ट किया हुआ था मेरे हिसाब से जनवरी से नहीं बनाया था। हम आते हैं मार्च से देखते हैं, मार्च से इसने लो बनाना स्टार्ट किया और ये ऑलमोस्ट इसने भी 24 मार्च को इसने जो लो बनाया था वो सबसे लोअर जो लो बनाया था वो 767 रुपीज़ का बनाया था और उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा हाई पे जाने लगा और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 1,112 रुपये है। तो आइए हम शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो है मार्च में
26.14% की थी और जून में थोड़ा सा कम होकर 26.10% हो गई है। ठीक है, FIIs की जो होल्डिंग्स थी मार्च में वो 36.68 था और बढ़ के जो है कि जून में हो गया 37.04%। DIIs की जो होल्डिंग्स है जो थी मार्च में वो 21.74% था और बढ़ के ये जून में हो गई है 21.85%। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो मार्च में था 0.23% था और जून में 0.25% बढ़ के हो गया है। पब्लिक की जो है हिस्सेदारी है आप हमारी जैसे लोगों की वो 15.21% मार्च में था 2020 में और ये घट के हो गई है जून में 14.76%। तो गाइस आप इसमें भी आप HDFC बैंक आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये बैंक कैसा है और इसका कैसा काम है, कैसा इसके शेयर्स पे कैसा इम्पैक्ट आता है, ये मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 3-4 साल बाद ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है। ये जितने भी 5 शेयर्स मैंने बताए ये 5 शेयर्स गाइज़ आप लोग को क्रांति लाने वाला है भविष्य में। तो ये 5 शेयर पे आप ध्यान दो और इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट कर सके। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको अगर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।